चोपड़ा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मैं तैयार हो रही थी और मैं दूसरी जगह पे तैयार हो रही हूँ। आप सोचेंगे मैं कहाँ पे तैयार हो रही हूँ, तो आज मैं तैयार हो रही हूँ अपनी बनाई हुई ड्रेसिंग टेबल पर। यानी कि अब आप सोचेंगे अपनी बनाई हुई ड्रेसिंग टेबल कैसे, तो मैंने बनाई है DIY ड्रेसिंग टेबल। अगर आपके पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो आप खुद से भी अपनी ड्रेसिंग टेबल को बना सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जिनकी जो जॉब्स ऐसी होती हैं, आने जाने का चक्कर रहता है, कभी किसी सिटी में जॉब हो गई, कभी किसी सिटी में जॉब हो गई, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। या उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो कम बजट में अपनी ड्रेसिंग टेबल बनाना चाहते हैं। तो ये ड्रेसिंग टेबल आप सभी के लिए है। अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बताती हूँ ये ड्रेसिंग टेबल मैंने कैसे बनाई है और बहुत ही कम बजट में बन जाती है। घर पर रखे सामान से ये ड्रेसिंग टेबल बन जाती है। और अगर आपके पास इस तरीके का कांच अवेलेबल नहीं हो तो मार्केट में जो कांच मैंने यूज़ किया है वो 300 से 400 रुपए की रेंज में मिल जाता है। और टेबल तो हमारे घर पे होती है, चाहे तो बड़े साइज़ की चाहे छोटे साइज़ की, और मेकअप का सारा सामान होता ही है, तो आप इजीली अपने घर पर ड्रेसिंग टेबल खुद बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ड्रेसिंग टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको जगह डिसाइड करनी होती है। तो आप जो जिस भी जगह में कंफर्टेबल यूज़ करें वहाँ पर आप टेबल लगा लें इस टाइप की। मैंने ये बड़ी टेबल यूज़ की है। आपके पास अगर छोटे साइज़ की हो तो भी चलेगी, मतलब मीडियम साइज़ की जो टेबल हो वो भी चलेगी। तो अब इसमें मैं इसे कवर कर दूँगी टेबल मैट से, क्योंकि ये टेबल थोड़ी सी पुरानी है तो इसे थोड़ा साफ़ सुथरा दिखाने के लिए इसे कवर कर देंगे किसी भी टेबल मैट से। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो वो टेबल मैट आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें टेबल मैट लगा दिया है। टेबल मैट लगाने के बाद अब बारी आती है कांच की, यानी कि शीशे की। तो इसे मैं सेंटर पे लगा रही हूँ, तो देख लूँगी दोनों साइड से इक्वल है या नहीं, तो थोड़ा सा बस इसे सेट करना होगा। आप बिल्कुल साइड में रखकर भी इसे सेट कर सकते हैं, मैंने सेंटर में इसे साइड सेट किया है। और अब जो भी मेरा ड्रेसिंग टेबल का जितना भी मतलब मेकअप का जो सामान है 1x1 करके मैं इसमें सेट कर दूँगी। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरीके से मतलब ड्रेसिंग टेबल बना सकते हैं, इसलिए जो जितना भी बेसिक जो हमारा सामान होता है ना डेली यूज़ का, मेकअप का, वो सारा सामान मैं इसमें आपको सेट करके दिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सामान जो भी है वो मैं इसमें सारा डेली यूज़ में जो भी सामान हम जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो सारे प्रोडक्ट मैं यहाँ पर आपको सेट करके दिखा रही हूँ, जो कि हमें नॉर्मल रूटीन में चाहिए होते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। तो ये जब सारी चीज़ें अरेंज हो आएंगी ना, तब मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें रखी हैं। और आप चाहें तो आप अपना सारा मेकअप का सामान भी बास्केट में सेट करके रख सकते हैं, या आपके पास कोई ऑर्गेनाइजर्स हो जैसे बॉक्स वाले, कंटेनर्स वाले, जिसमें छोटे छोटे सेक्शंस बने होते हैं, उनमें आप सामान अगर रखती हैं तो वो सारी चीज़ें भी आप सेट करके रख सकती हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर ये जो बॉटल्स हैं रखी हैं, और ये जो बॉटल्स हैं मैंने सॉस की बॉटल्स से डेकोरेट की थी, तो थोड़ा सा लुक चेंज डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दी। और एक घड़ी भी लगा दी है छोटी सी टाइम के लिए। तो अब मैं दिखाती हूँ, ये ड्रेसिंग टेबल हमारी बन चुकी है और अब मैं दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या क्या रखा है। आपको करीब से दिखा देती हूँ इसमें कौन कौन सा सामान मैंने रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल अच्छे से सेट है। तो यहाँ पर मैंने एक बैंगल बॉक्स रखा है जिसमें मैंने अपनी बैंगल्स रखी हुई हैं, और ये जैसे फेयर एंड लवली है, फेस वॉश है, स्क्रबर है, मेरा डीओ है, और ये कॉम्ब है मेरा फोल्ड होने वाला कॉम्ब है, खुल भी जाता है फोल्ड भी हो जाता है, पोर्टेबल है। और ये नेल पेंट वगैरह है, लिपस्टिक है, ओलिविया स्टिक है, और भी दिखाती हूँ ये जो करवा है ना इसको मैंने बना रखा है अपना काजल, आईलाइनर वगैरह रखने के लिए। तो इसमें मैं ब्रश वगैरह अपने सारे रखती हूँ, आईलाइनर, काजल वगैरह सब रखती हूँ, लिप गार्ड वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसमें अरेंज करके रखती हूँ। घड़ी होनी ज़रूरी है क्योंकि हम टाइम देखकर इजीली तैयार हो सकते हैं। टाइमली सिंदूर का की शीशी है, और ये है जूड़ा पिन मेरी, और वहाँ पर मेरे हस्बैंड के डीओ वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी डेली यूज़ में हमारे आती हैं ना यूज़, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। तो ये देखिए हमारी DIY ड्रेसिंग टेबल बनकर तैयार है। और यहाँ पर चेयर भी रख दी है क्योंकि चेयर बिना तो हमारी ड्रेसिंग टेबल जो है अधूरी है। तो ये थी मेरी DIY ड्रेसिंग टेबल। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।